दुनिया से भर भर कर असला लेने वाला भारत आज दुनिया को असला बेचेगा। लगती तो ये एक मजाक की बात है, लेकिन देखते हैं कि भारत इसमें क्या बेचने जा रहा है। इंडिया दुनिया को अब अपना आकाश मिसाइल बेचेगा। इंडिया की मरकजी हकूमत ने गुज़िश्ता बुध को इंडिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने वाले मुमालिक को जमीन से फजा तक मार करने वाले आकाश मिसाइल बरामद करने की मंजूरी दे दी है। इंडिया के आकाश मिसाइल की दोस्त ममालिक को फरोख्त के लिए इंडियन वजीर दिफा की ज़ेर सदारत एक कमेटी तश्कील दी गई है, ताकि दिफा से मुतल्लिक बरामदात को फौरी मंजूरी मिल सके। इंडियन वजारत दिफा के मुताबिक गुज़िश्ता चंद बरसों में होने वाली बैनुल अक्वामी नमाइशों, डिफेंस एक्सपो और एरो इंडिया के मौके पर कुछ दोस्त ममालिक ने आकाश मिसाइल में दिलचस्पी जाहिर की थी। इसके साथ साहिली निगरानी के निज़ाम, रेडार और एयर प्लेटफॉर्म्स में भी दिलचस्पी जाहिर की जा रही है। आकाश जमीन से फजा तक मार करने वाला एक मिसाइल है, जो 25 किलोमीटर के फासले पर अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इसके साथ ही ये 95% इंडिया में तैयार किया जाने वाला मिसाइल है। ये मिसाइल सन 2014 में इंडियन फजाइया में शामिल किया गया था। एक साल बाद सन 2050 में इस मिसाइल को इंडियन आर्मी को भी दिया गया था। इसकी तैयारी में तकरीबन 25 साल का वक्त लगा है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडिया दिफाई असला बरामद करने वाला मुल्क बनने के लिए तैयार है। इंडिया की मरकजी हकूमत ने सन 2024 तक दिफाई बरामदी सनत में $5 अरब हासिल करने का हदफ मुकर्रर किया है, लेकिन ये मुल्क दुनिया भर में खुद हथियारों की दरामद करने वाला मुल्क के तौर पर जाना जाता है। यानी कि जो मुल्क दुनिया से असला खरीदता है, वो कैसे दुनिया को ये बेच सकता है? यानी कि उसकी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं होती कि दुनिया उससे असला ले। एक भारतीय राहिल बेदी का कहना है कि पिछले 6-8 महीनों में चीन के साथ जो तनाव पैदा हुआ है, इसमें हमारी दिफाई पैदावार अपनी ही ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रही, तो हम दुनिया को कैसे बेच सकते हैं? वो कहते हैं, हम असला, गोला बारूद और मिसाइल सिस्टम की दरामद कर रहे हैं। ऐसे वक्त में बरामदात की बात करने में मुझे कदरे परेशानी महसूस होती है, क्योंकि जब हमारी दाखिली ज़रूरियात ही पूरी नहीं हो पा रही, तो ऐसे में बरामदात के बारे में कैसे सोचा जा सकता है। इसके अलावा हाल ही में भारत अपना तेजस दुनिया को फरोख्त करना चाहता है, लेकिन दुनिया का सबसे पहला सवाल ये होता है कि जो तैयारे आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो हमें क्यों फरोख्त कर रहे हैं? अब देखते हैं कि भारत के इस आकाश मिसाइल के बारे में दुनिया क्या राय देती है, इसको खरीदती है या फिर इसको भी एक टीन का डब्बा समझ कर सिर्फ शोपीस में रखा जाता है।